आइए जानें नैतिक शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नैतिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। इसका आरंभ मनुष्य के बचपन से ही शुरू हो जाता है। सब पर दया करना, कभी झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना, दुर्बलों को तंग ना करना, चोरी ना करना, सच बोलना, सबको अपने समान समझते हुए उनसे स्नेह करना, सबकी मदद करना, किसी की बुराई ना करना आदि कार्य नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्य कहलाते हैं। सभी ग्रंथों का उद्देश्य रहा है कि मनुष्य के अंदर नैतिक गुणों का विकास हो, ताकि वह मानवता और स्वयं को सही रास्ते पर ले जा सके। एक बच्चे को बहुत पहले ही परिवार द्वारा नैतिक मूल्यों से अवगत करा दिया जाता है। जैसे जैसे उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, उसके मूल्यों में विस्तार होना आवश्यक हो जाता है। ये मूल्य उसे सिखाते हैं कि उसे समाज में बड़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ व अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय में किताबों में वर्णित कहानियां और महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से उसके मूल्यों को सवारा व निखारा जाता है। यदि एक देश का युवा नैतिक मूल्यों से रहित होगा तो उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन विडंबना यही है कि यह नैतिक मूल्य हमारे जीवन से धुंधले होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें नैतिक शिक्षा का अभाव है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये बात इस बात का संकेत है कि समाज की स्थिति कितनी हद तक गिर चुकी है। बेईमानी, झूठ, दूसरों और बड़ों का अनादर नैतिक मूल्यों में आई कमी का परिणाम है। हमें चाहिए नैतिक शिक्षा के मूल्यों को पहचानें और इसे अपने जीवन पर विशेष ध्यान दें। नैतिकता मनुष्य का वह गुण है जो उसे देवतुल्य बनाता है। नैतिकता ही संपूर्ण मानवता का श्रृंगार है। वेदों, उपनिषदों एवं अन्य सभी ग्रंथों में नैतिक अथवा सदाचार शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है।